करेंगे और नारा लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय आज के कार्यक्रम में उपस्थित बुढ़ाना विधानसभा से पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय उमेश मलिक जी, और वाकई आज ऐसा भजन प्रमोद कश्यप ने सुनाया कि सब कहीं ना कहीं खो गए थे। बहुत बढ़िया भजन। गांव के प्रधान देवेंद्र सिंह जी, समस्त उपस्थित पूर्व प्रधानगण, बुजुर्गों, साथियों, मलिक साहब आज बोल रहे बहुत बढ़िया आप, पर वाकई आप ठीक कह रहे, ताली उतनी नहीं बली जितनी बोल मिलनी चाहिए थी, आज गड़बड़ कर दी। हाँ जाडा मान रहे, वैसे तो जी तो सबका कर रहा ताली बजाने को, पर जाडे में ही नहीं बजिए, कम बजिए। ये आपके लिए आई है, जो आपके भाषण वाली बची हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य विधायक जी ने बता ही दिया, करीब 10.5 वर्ष हो चुके। आपने मुझे 2 बार सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया और आपकी दी हुई वोट से ही 10.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री और मैं सांसद। कभी मिलेगा मौका, मिलेगा अब कभी पूरा। इन 10.5 वर्ष में बहुत सी योजनाएं, छोटे किसान के लिए, मजदूर के लिए, इस सरकार में बहुत सी योजनाएं बनी। योजना पहले की सरकार में बनती थी, ऐसी बात नहीं कि पहले सरकारों ने योजनाएं नहीं बनाई या काम नहीं किए। पहले में रब में एक अंतर है कि पहले में बिचौलिया ज्यादा थे, अब बिचौलियों की संख्या कम होगी, यह तो नहीं कह सकता बिल्कुल खत्म होगी। और इन 10.5 वर्ष में योजनाएं जमीन पर कहां है, और किसी को अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए। योजना तो करीब 160 है, उनका जिक्र करूंगा तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 5-4 ऐसी हैं जिनसे करीब करीब हर व्यक्ति का उन योजनाओं से मतलब कहने की पड़ता है, तो उन 2-4 का जिक्र मैं आपके सामने जरूर करूंगा। इस गांव में करीब 946 आयुष्मान कार्ड के, आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं जो पात्र व्यक्ति हैं। 946 में से 331 तो बन गए और 615 अभी बनने के बकाया है। यह आयुष्मान कार्ड की योजना करीब 1.5-2 साल पहले आई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, 5 लाख रुपए तक का जो भी बिल आएगा वो किसी को जमा नहीं करवाना। 5 लाख रुपए तक का बिल का सारा पेमेंट आपका सरकार करती है, ये आयुष्मान कार्ड में हुआ है। 946 लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वाकई इसमें पात्र होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाए। और जब से यात्रा चली, मेरे द्वारा भी और सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऊपर ये बात पहुंचाई गई कि बहुत से लोग छूट गए, क्योंकि जो कार्ड बने हैं, 2011 में एक इकोनॉमिक सेंसस हुआ था हर गांव में, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें जो सूची निकाली गई थी उसके हिसाब से बनाए गए हैं, उसके बाद हुआ नहीं। दूसरा सेंसस अब होने वाला है, अभी उत्तराखंड सरकार ने तो सभी छोटे किसान और मजदूर जितने भी हैं सबको आयुष्मान कार्ड में ले लिया, और मुझे उम्मीद है जैसी मेरी बातचीत हुई है अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के लिए भी विशेष रूप से घोषणा होने जा रही है, जिसमें जो छोटा किसान और मजदूर तबका सारा का सारा सबका बीमा होगा। आपके गांव में 16 करोड़ रुपए का बीमा है जी लोगों का, 16 करोड़ रुपए का बीमा खेड़ा मस्तान में हो चुका, जो 5 लाख रुपए का एक आदमी का बीमा है, ऐसा 16 करोड़ का बीमा पहुंचता है, जिसका सारा खर्च जब भी कोई बीमार होगा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो जो बचे हुए लोग हैं, मेरे अनुरोध है 615 जो बचे हुए हैं प्रधान जी, कम से कम उनके आयुष्मान कार्ड बन जाए, उनमें से किसी को समस्या हो तो उसे इस योजना का लाभ कहीं ना कहीं मिल जाए। आपके गांव में करीब 3,470 यूनिट हैं राशन की, जिनमें हर व्यक्ति को करीब 5 किलो राशन हर महीने पिछले 3 साल से सरकार की तरफ से मिलता है, और प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके कि आने वाले 5 साल तक लगातार
ये जो 5 किलो राशन की योजना है जो कोरोना के समय में शुरू हुई थी, ये बाकी लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो, अंत्योदय कार्ड 61 है गांव में, जिन्हें 35 किलो राशन मिलता है हर महीने अंत्योदय कार्ड वाले को, 61 लोग ऐसे भी अंत्योदय कार्ड के। हो सकता है कोई ना कोई और बच गया हो गांव में जिसे राशन कार्ड बनना चाहिए, और जो गरीब है जिसका नहीं बन पाया, तो मेरे विचार से राशन विभाग से कोई ना कोई जरूर होगा। जहाँ कौन है राशन विभाग से, उठा दो भाई सामने। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई आपका है भाई, वो जो सामने हाथ उठा रहा खाली जैकेट वाला, ये देख उधर, मेरे भाषण देने के बाद उनके पास भाई, जो भी छुटा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब है, आपको लगता है जिसे राशन की आवश्यकता है, उनका मौके पर निस्तारण करके जाना। ये नहीं कि बाद में लोग कहें यात्रा भी आई और मैं नाम भी लिखवाया था और राशन कार्ड नहीं बना, ऐसा ना हो। उसका राशन कार्ड आप जरूर बनवाना, जो पात्र है, जो भी व्यक्ति राशन की आवश्यकता है उससे मिल लेना, हो जाएगा, चिंता ना करें, थोड़ी देर में मिल रहा हो, यहीं रहेगा, जाने का नहीं।